तो दोस्तों, एक ऐसी मूवी की अनाउंसमेंट हुई है जिसे जानने के बाद लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे। खास तौर पर इस फिल्म का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि ये फिल्म बनेगी भी या नहीं बनेगी, सिर्फ आग की तरह इसकी हवा उड़ के ही रह जाएगी। फिलहाल तो जो है मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और मूवी के मेन लीड एक्टर कौन होंगे उनकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। उम्मीद तो ऐसे की जा रही थी कि इस मूवी में सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, जॉन इब्राहिम या फिर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स नजर आने वाले हैं, लेकिन इन सारे एक्टर्स को हटाकर एक ऐसे एक्टर को इस मूवी के लिए चूज किया गया है जिसे सुनकर आप भी एग्री हो जाएंगे। फिलहाल तो मूवी का नाम है धूम 4। जी हाँ दोस्तों, धूम की जितनी भी फ्रेंचाइजी आई थी ऑडियंस ने लिटरली बहुत ज्यादा पसंद किया था, और जो है मूवी अच्छी खासी कलेक्शन भी करती थी और सुपर डुपर हिट भी जाती थी। लेकिन धूम 4 को लेकर हर किसी के मन में ये जहन था, मतलब सवाल उठ रहा था कि आखिरकार धूम 4 बनेगी कि नहीं बनेगी, और अगर बनती भी है तो इसे कौन से एक्टर बनाएंगे, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार या फिर और भी बहुत सारे एक्टर हैं, कौन से एक्टर बनाएंगे। हालांकि काफ़ी चर्चा भी उस बीच चली थी कि धूम 4 आने वाली है और उनके लिए कौन से एक्टर बेटर रहेंगे, लेकिन अब फाइनली एक्टर भी फाइनल कर दिए गए हैं और धूम 4 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ये जल्द मूवी बनने वाली है। 2024 की ब्लॉकबस्टर मूवी यानी कि एनिमल मूवी के एक्टर रणबीर कपूर धूम 4 फ्रेंचाइजी के लिए फाइनल कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बॉलीवुड के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो ना सिर्फ रणबीर कपूर का हुलिया बदले थे बल्कि उनका कैरियर भी चेंज करके रख दिए थे, और रणबीर कपूर अब धूम 4 में नजर आने वाले हैं, और उनका जो किरदार होगा वो आमिर खान वाला होगा। जैसे कि हमने धूम में देखा था या फिर धूम की जितनी फ्रेंचाइजी आई थी कि चोरी करके भागता है, मतलब वो विलन नहीं रहेगा, उनका कुछ इस तरीके का किरदार होने वाला है। और मैं आप सब लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो धूम 4 मूवी आ रही है ये फ्रेंचाइजी का पार्ट सिर्फ नाम के लिए है, यानी कि जैसे होती है ना कि कहानियाँ यहाँ से शुरू होती है तो अगले पार्ट में ऐसे शुरू होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। धूम 4 एक ऐसी मूवी है जो कि एकदम फ्रेश कहानी दिखाई जाएगी, यानी कि कुछ यूनिक सी कहानी रहेगी और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस रहेंगे, और देखो ये पुलिस वाला भी वही किरदार हो, तो पुलिस का जो साथी रहेगा वो हमेशा कॉमेडी करता रहेगा और जो पुलिस रहेगा वो हमेशा गुस्से में रहेगा, और रणबीर कपूर वो चेहरा है जो मतलब चोरियां करके भागते रहते हैं। कुछ इस टाइप की कहानी दिखाई जाएगी, और इस बार की कहानी मैंने आप लोगों को बताया कुछ हटकर रहेगी, यूनिक रहे। वैसे रणबीर कपूर से पहले धूम 4 के लिए बहुत सारे एक्टर का नाम आ रहा था, यहाँ तक कि बॉलीवुड का छोड़ो साउथ के एक्टर्स का भी नाम सामने आ रहा था। बॉलीवुड के एक्टर में बहुत सारे एक्टर थे जैसे कि अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, और भी बहुत सारे एक्टर्स का नाम आ रहा था, विकी कौशल, और भी बहुत सारे एक्टर का नाम आ रहा था। और इन सबको साइड करिए, साउथ के एक्टर का नाम बता रही हूँ, रोलेक्स यानी कि सूर्या, रोलेक्स मूवी आप सब लोगों को याद है, सूर्या का भी नाम आ रहा था बाहर निकल कर कि धूम 4 के लिए सूर्या फाइनल कर लिए गए हैं। लेकिन ऐसा जो है एक्टर मेन लीड एक्टर के लिए सूर्या फाइनल नहीं किए गए थे, लेकिन सूर्या का नाम कहीं ना कहीं धूम 4 से जुड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं, ऐसा मतलब कुछ मतलब न्यूज़ बाहर निकल कर आ रही है कि धूम 4 में सूर्या का नाम जुड़ सकता है, उनका क्या किरदार होगा अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो जो है बहुत सारे एक्टर को देखा गया, फिर जाकर रणबीर कपूर को फाइनल किया गया जो कि 2024 में ब्लॉकबस्टर मूवी दे दिए थे जिसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1200 करोड़ है, 1200 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर देखा जाए तो धूम 4 भी एक तगड़ी मूवी होने वाली है, लेकिन अभी ऐसे कोई ऑफिशियल तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, इसकी शूटिंग कब स्टार्ट करी जाएगी और कब क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी रणबीर कपूर बहुत सारी फिल्मों में व्यस्त चल रहे हैं। अभी एनिमल पार्क लाना भी बाकी है, फिर उसके बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की एक मूवी आएगी लव एंड वॉर। खैर जो भी एक्टर इस मूवी में नजर आए या फिर इस मूवी को करें, बस हम लोग यही उम्मीद करेंगे, यही एक्सपेक्टेशन हम लोगों की रहेगी कि यह फिल्म एक अच्छी फिल्म बनकर आए और जो कि ऑडियंस को संतुष्ट कर पाए, क्योंकि ऑडियंस भी इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर धूम 4 फिल्म के साथ कोई छेड़खानी ना करी जाए तो ये ऑडियंस के लिए और मेकर्स के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो देखते हैं कि ये फिल्म कब बाहर निकल कर आती है, फिलहाल तो अभी फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल तरीके से अपडेट नहीं दी गई है कि कब इसकी शूटिंग होगी, कब ये फिल्म बनकर आएगी, इसकी रिलीज डेट, टीजर, ट्रेलर, मतलब कुछ भी नहीं, बस एक अनाउंसमेंट कर दी गया है कि ये फिल्म जो है बनेगी। तो देखते हैं कि ये फिल्म कब बन कर आती है। तो दोस्तों, धूम 4 के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है धूम 4 के लिए रणबीर कपूर बेटर एक्टर है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।